अच्छा, तो हमारा सबसे पहला जो डिजीज है आई का, वो है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस, यानी जो आपका आंख में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा, मायोपिया क्यों होता है रीजन। ठीक है, रीजन दो रीजन है इसके। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको हो सकता है। ठीक है, तो मायोपियम क्या होता है? ये मायोपिया तो पहले बात जो है कि ये आपको जो दूर का चीज़ है, यानी डिस्टेंस डिस्टेंस पे जो चीज़ है, ये जो दूर का चीज़ है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक, तो ज़्यादातर लोग को यही प्रॉब्लम होता है कि दूर का नहीं दिखता है, तो मायोपिया उस बीमारी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको दूर का नहीं दिखता, और जब लाइट ट्रैवल होके आता है तो ये जो इमेज आपका रेटिना पे बनना था, यानी इस वाले लेयर पे आपको जो इमेज बनना था वो पहले बन जाता है। ठीक है, और ये आपका लेंस क्या था इसमें, तो ये जो है आपका ऊपर वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका काम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, ये है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, तो इस समय आपका जो दूर से आया है लाइट रे, ये आपका इस समय लेंस का, आपको लेंस कैसा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का डाइवर्जिंग है, तो ये ज़्यादा ही डाइवर्ज कर दिया है, पहले ही बना दिया। तो अब इसमें आपका रीजन जो आता है, ये दो रीजन है आपका मायोपिया होने का, दो रीजन है, या फिर या तो लेंस बिकम टू कर्व। लेंस बिकम टू कर्व, यानी लेंस बहुत ज्यादा आपका कॉन्वेक्स हो गया है, बहुत ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर दिया, यानी पहले ही बना दिया। ठीक है, अच्छा, ये एक रीजन हो सकता है, या आपका लेंस सही है, आपका रेटिना पीछे चला गया, यानी लेंथनिंग ऑफ आई बॉल, लेंथनिंग ऑफ आई बॉल, यानी जो आपका आई बॉल है ये, इसका आपका रेटिना पीछे चला गया, तब या तो इमेज इमेज कब आगे बनेगा, या तो रेटिना पीछे चला गया या फिर इमेज ही आगे आ गया हो। ठीक, तो या तो रीजन होगा आप लेंस बिकम टू कर्व और लेंथनिंग ऑफ आई बॉल, ये इसका रीजन है। ठीक है, अब इसको सही कैसे करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लेंस आपका बहुत ज़्यादा, लेंस बिकम टू कर्व, यानी बहुत ज़्यादा कॉनकेव हो गया आपका। ठीक है, ये पहले ही बना दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको इसको पीछे करना है, यानी यहाँ से लाइट को थोड़ा, और ये जो ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपका कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस। इसका जो सही करने का तरीका है, करेक्शन करेक्शन इसका होता है, ये कैसे होता है, आपका कॉनकेव लेंस लगा दीजिए, कॉनकेव लेंस। ठीक, तो कॉनकेव लेंस से क्या होगा, अब ये जो ज़्यादा कर्व था इसको थोड़ा सा ये लाइट फैला देगा, थोड़ा और ज़्यादा फैला देगा। ठीक है, और ज़्यादा फैलाने से क्या होगा, जो यहाँ पे बन रहा था थोड़ा सा, और यहाँ पे पीछे जाकर रेटिना बनेगा, इसको जो लाइट सीधे आ रहा था इसको और फैला दिया गया। ठीक है, तो इसको और कन्वर्ज, जब कन्वर्ज करेगा तो रेटिना बनेगा। आप देखिए ऐसे सीधे लाइट रे आया, ठीक, फिर इसको कॉनकेव लेंस थोड़ा सा फैलाया है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे इमेज बन रहा था वो अब रेटिना पे बनेगा, तो इसका करेक्शन करने का वे क्या है, कॉनकेव लेंस आगे लगा दीजिए। ठीक है, तो मायोपिया का आपका रीजन पूछता है, रीजन तो लेंस बिकम टू कर्व और लेंथनिंग ऑफ आई बॉल। ठीक, करेक्शन करने का क्या तरीका है, कि एक कॉनकेव लेंस आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए, तो उससे रेटिना पे आपका इमेज बन जाएगा। ठीक, तो अच्छा, अब एक आपका डिजीज होता है हाइपरओपिया। ठीक है, उसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, उसके बारे में हम भी यहाँ पे फिगर बना के समझाते हैं। तो ये था मायोपिया। ठीक, फिर दूसरा आपका हाइपरओपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, ये शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता था मायोपिया में, कि इमेज पहले बन जाता था। ठीक है, इसमें इमेज क्या है, पीछे बनता है। ठीक, तो इसका रीजन क्या होगा, रीजंस। ठीक है, इसमें क्या रीजन था, लेंस बिकम टू कर्व। ठीक है, इसमें क्या है, लेंस बिकम फ्लैट, फ्लैट हो गया ना, तो ये जो ज्यादा अगर कर्व रहता तो ये ज्यादा कन्वर्ज करता, लेकिन फ्लैट हो गया तो कन्वर्जिंग इसका, जैसे अगर इतना कर्व रहता मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे ये इमेज बनाएगा। ठीक, अगर ये थोड़ा कम कर्व रहेगा तो थोड़ा पीछे बनाएगा। ठीक, तो यही काम यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कर्व था तो पहले ही बना दिया, यहाँ पे कम कर्व है तो पीछे बनाया। ठीक, अच्छा, तो लेंस बिकम टू कर्व, या फिर एक इसमें क्या रीजन था, लेंथनिंग ऑफ आई बॉल, इसमें क्या होगा, शॉर्टनिंग
शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ठीक। अच्छा इसमें क्या था, लेंस बिकम टू कर्व, लेंथनिंग ऑफ आई बॉल, इसमें लेंस बिकम फ्लैट, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ठीक है। अब इसमें क्या है, पीछे बन रहा है, हमको आगे बनाना है, तो ये जो कन्वर्ज हो रहा है इसको और कन्वर्ज कर दें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक आगे कन्वेक्स मिरर लगा दीजिए, तो और कन्वर्ज होगा, रेटिना बनेगा। इसमें क्या था, आगे बनना था, थोड़ा और फैलाना था, पीछे करना था, इसमें कॉनकेव मिरर लगा दिए, ठीक है। इसका करेक्शन का तरीका क्या है, करेक्शन का वे क्या है, आगे कॉन्वेक्स मिरर लगा दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, ठीक। तो इसका करेक्शन करने का तरीका, इसमें केव लगेगा, इसमें कॉन्वेक्स लगेगा। इसमें क्या होता था, दूर का नहीं दिखता था, इसमें नज़दीक का, यानी नियर, इसमें नज़दीक का नहीं दिखता, ठीक है। तो जो नियर का नहीं दिखता है वो लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें दूर का नहीं दिखता है वो शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। या फिर शॉर्ट, यहाँ पे नज़दीक बन रहा है तो इसलिए शॉर्ट, यहाँ पे पीछे बन रहा है तो इसलिए लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका डिजीज था मायोपिया, हाइपर ओपिया, यही ज़्यादा पूछता है। और भी बहुत सारे डिजीज, आपका एस्टिगमेटिज्म है, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ठीक है, फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, फिर आपका प्रेस बायोपिया है, एक प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया ओल्डर पीपल, जहाँ भी ओल्डर पीपल आएगा प्रेस बायोपिया मार के आइएगा, ठीक। ओल्डर पीपल जहाँ भी लिख दिया प्रेस बायोपिया, ठीक। फिर एस्टिगमेटिज्म होता है, एक अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, फिर कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, ठीक। फिर कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसमें आपको कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा। फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपके डिजीज होते हैं, यही मायोपिया और हाइपरओपिया, और इसके अलावा ये दोनों पूछता है, और एस्टिगमेटिज्म, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, और प्रेस बायोपिया ओल्डर पीपल में होता है, ठीक है। ये चार डिजीज ज़्यादा पूछता है, और आपका जो पूछता है वो स्टीरियोस्कोपिक विजन पूछता है आपका आई में, और एकोमोडेशन, ये दोनों आपका डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। तो आपके बुक में डेफिनेशन दिया होगा, रट लीजिए, जाके लिख दीजिए, ठीक है। स्टीरियोस्कोपिक विजन और एकोमोडेशन, स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या है, जो हम दोनों आँख से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं साइमल्टेनियसली, इस आँख से भी देख रहे हैं, इस आँख से भी देख, तो उसका ओवरलैप करके ब्रेन में हमारा इमेज कैसा, इमेज जो बनने का होता है प्रोसेस, उसको स्टीरियोस्कोपिक विजन करते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी नज़दीक का चीज़ देखने के लिए हमारा लेंस का शेप जो है कि चेंज होता है, फिर दूर का देखने के लिए चेंज होता है। तो ऐसे नज़दीक और फार का ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो और लेंस में चेंज होता है उसको एकोमोडेशन कहते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन है। दोनों आँख साइमल्टेनियस किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फिर ओवरलैप करके उसका ब्रेन में जो फिगर बनता है उसको कहते हैं जो स्टीरियोस्कोपिक विजन, ठीक है। इसके अलावा यही बस स्टीरियोस्कोपिक विजन और एकोमोडेशन, ये इसको याद करके जाइएगा, पूछ ही देता है लगभग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक। और आप देख रहे होंगे कि दोनों पॉइंट आके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, दोनों पॉइंट आके मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये हमारे आँख में कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज। और रियल इमेज का क्या क्वालिटी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो हम जो देखते हैं वो चीज़ हमारे आँख पे, रेटिना पे उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा करके हमको दिखाता है, ठीक है। तो यानी हमारे रेटिना पे कोई भी चीज़ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए चेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, चेयर देख रहे हैं, तो चेयर हमारे आँख के रेटिना पे तो उल्टा बनेगा, ठीक है। मान लीजिए हम ये फिंगर ऐसे है, ठीक है, फिंगर ऐसे, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं, तो मेरे आँख के रेटिना पे उल्टा बनेगा, लेकिन हमको ब्रेन इसको सीधा करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेन की एक क्वालिटी है, ठीक है। तो ये मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिगमेटिज्म, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सब आपके डिजीज हो गए। फिर एकोमोडेशन और स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसको मत छोड़िएगा, इसको पढ़ के जाएगा, ठीक है। एकोमोडेशन और स्टीरियोस्कोपिक, ये आपकी बुक में डेफिनेशन दिया होगा, मैंने समझा दिया है। अच्छा तो ये आपका आई के चैप्टर में इतना ही बस है, ओके। इसके बाद ईयर है, तो हम ईयर पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।